नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान है। मैं राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इससे संबंधित कंटेंट और भूगोल की जो बाकी ब्रांच है उससे संबंधित कंटेंट इस चैनल पर समय समय पर अपलोड करता रहूंगा। तो आप अगर इन सब चीजों को समझना और पढ़ना चाहते हैं तो मेरा इस चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये जो चैनल है वो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए, प्लस जो एमए और बीए कर रहे हैं भूगोल विषय से, उन सभी स्टूडेंट के लिए, और कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी जो भूगोल पढ़ रहे हैं उन सब के लिए ये जो मेरे वीडियो हैं वो बहुत लाभदायक साबित होंगे। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ना शुरू करें इससे पहले थोड़ा संक्षिप्त में हम पीछे जाके भारत के इतिहास में देखते हैं कि भारत को इतिहास में किन किन नामों से जाना जाता था और वो प्रमुख नाम कौन कौन से थे। तो हम इस वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को इतिहास में संसाधनों से संपन्न होने के कारण, सभी तरह के संसाधनों से संपन्न होने के कारण इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी तरह से हमारा जो साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञान था वो उत्कृष्ट लेवल का था, जिसमें वेद है, पुराण है, रामायण, गीता, इस तरह की जो जो चीजें, पुराण हो गए, ऋषि मुनि हो गए, हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल, उन सब चीजों को देखें तो उस वजह से हमें विश्व गुरु भी कहा जाता है। साथ ही अगर हम भारत के लोगों, जो जो भारत की संस्कृति है उस पर बात करें तो बहुत ही यूनिक संस्कृति है। जैसे हम कुछ कुछ विशेष बातों पर ध्यान दें तो जैसे अहिंसा परमो धर्म, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति, अतिथि देवो भव, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सर्वधर्म संभाव, जियो और जीने दो, इस तरह के विचार भारत के अंदर पैदा हुए हैं। और हम ऐसे इस तरह के विचार रखने वाले देश में पैदा हुए, हमारा सौभाग्य है, जो मानवतावादी विचारधारा है एक तरह से हम कहते हैं। तो इस तरह के देश के हम नागरिक हैं, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। अब हम आगे अब भारत के जो अलग अलग इतिहास में नाम है उन नामों के बारे में यहाँ डिटेल में चर्चा करेंगे। तो भारत का जो इतिहास है वो काफी समृद्धशाली इतिहास है। हम विश्व के पथ प्रदर्शक के रूप में सदियों से ही काम करते आ रहे थे। तो इस इतने लंबे और इतने समृद्ध इतिहास में भारत को कई अलग अलग नामों से पहचाना गया। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत के अलग अलग नाम कैसे पड़े, या इतिहास में उसे अलग अलग किन किन नामों से जाना गया और उन नामों से उसे क्यों जाना गया। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कुछ नामों पर चर्चा करेंगे। तो आर्यावर्त है, सप्तसैंधव, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडोस, इंडस, इंडिया, और भी कई तरह के नामों से समय समय पर इसको पुकारा गया। तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि ये इन नामों से क्यों इंडिया को जाना गया या भारत को जाना गया। सबसे पहले हम आर्यावर्त की बात करेंगे। ये नाम इसको उत्तर भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर मिला था। आपने महाभारत में सुना होगा कौरव पांडव, इनको आर्य पुत्र कहा जाता है। तो पूरी एक कम्युनिटी थी, और कई सारे ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि जो आर्य थे उनका जो शासन था वो एक बहुत बड़े भूभाग पर था उस समय। अब सवाल यह है कि वर्तमान का इंडिया तो बहुत छोटा है, अगर इतने सारे हिस्से पर था तो ये कब कब और किस तरह से सारे क्षेत्र अलग हुए होंगे। हालांकि ये इस वीडियो में हम जो बातें कर रहे हैं वो ऐतिहासिक बातें हैं, अलग अलग संदर्भों में सब जगह अलग अलग तथ्य मिलते हैं, लेकिन कुछ खास तथ्य मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। जैसे ये पूरा जो हिस्सा है, हम यहाँ ये पूरा, ये 14वीं सदी से पहले ही हमसे अलग हो चुका था, लेकिन आज भी यहाँ की जो संस्कृति है उसमें कई सारी ऐसी चीजें दिखाई देती है जो भारत की संस्कृति से मैच करती है। दूसरा, आप देखिए, 1876 में अफगानिस्तान यहाँ से भारत से अलग हो गया। यहाँ 1904 में नेपाल अलग हुआ, भूटान 1906 में, और तिब्बत 1907 में हमसे अलग हुआ। उसके बाद श्रीलंका 1935 में, और म्यांमार 1937 में, और 1947 में ये पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। इसको उस समय पश्चिमी पाकिस्तान और इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो ये वर्तमान में बांग्लादेश बन गया और ये पाकिस्तान बन गया। तो 1947 से पहले ये सारे जो टुकड़े हुए ये सब ब्रिटिश इंडिया के हिस्से थे। अंग्रेजों के समय इनको ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, और उसके सब टुकड़े होते होते ये लास्ट में 1947 में ये प्रेजेंट इंडिया, जो तो लास्ट जो अंतिम विभाजन हुआ वो 1947 में मारा हुआ, और अभी ये प्रेजेंट इंडिया इस तरह से हम देख रहे हैं इसको। दूसरा नाम था सप्त सैंधव, या सप्त सिंधु भी इसको कहते हैं। ये सात नदियों के नाम पर रखा गया है, और ये नाम ऋग्वेद में जिक्र इसका मिलता है। ये जो सात नदियां हैं उनके वर्तमान नाम इस तरफ हैं, और ये संस्कृत भाषा में पुराने नाम हैं इनके। सिंधु को सिंधु ही कहा जाता है,
जिसको हम इंडस रिवर भी कहते हैं। गग्गर को द्वस नदी, सतलुज, सतुद्री, व्यास, विपाशा, रावी, परुशनी, चिनाब, अस्किनी और झेलम बितस्ता, ये देखिए इस तरह से ये। और ये जो सरस्वती नदी है ये पहले यहाँ इस तरह से बह रही थी जिसका वेदों में जिक्र मिलता है, लेकिन वर्तमान में ये जो हिस्सा इसका है वो ड्राई बेड हो गया, मतलब सूख गया है या रेत के नीचे दब गया है। लेकिन ऐसे कई सारे शोध हैं वो ये कहते हैं वो नदी अभी भी नीचे से बह रही है, जिसको हम वैदिक सरस्वती कहते हैं। तो ये जो पूरा हिस्सा इसको सप्त सिंधव और बाकी वाले पूरे रीजन को भी सप्त सिंधव ही कहा गया। दूसरा हमारा एक नाम है जम्बूद्वीप। इसका नाम हमें पुराणों में इसका उल्लेख मिलता है और ये मूलतः जामुन के पेड़ पर रखा गया है। वैसे कंसेप्ट यह है कि ये जो उस समय मतलब जो भारतीय विद्वानों के साथ जो ज्ञात दुनिया थी उसको 7 अलग अलग भागों में बांट दिया। अब आज द्वीप का मतलब हम पानी के बीच स्थित छोटी सी जमीन को कहते हैं, लेकिन यहाँ जो द्वीप शब्द है उसका जो उल्लेख है वो क्षेत्र से है, ए रीजन एरिया एक। तो ये सारे अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया, और डिवाइड क्यों किया, वहां जो मुख्यतः वनस्पति पाई जाती थी उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो ये जामुन का वृक्ष ज्यादा होने की वजह से ये जम्बू द्वीप कहलाया। उत्तरी रशिया से लेकर साइबेरिया से लेकर ये पूरा दक्षिणी भारत तक वाला रीजन जो है उसको हम जम्बू द्वीप कहते हैं। और यहाँ आप देखिए ये जो हिस्सा रीजन है उसको हम भारतवर्ष भी कहते हैं। अब ये जो भारतवर्ष है इसका उल्लेख मत्स्य पुराण के अंदर मिलता है कि भारत का नाम भारतवर्ष था। इसके 3 कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट तो है कि जो प्राचीन भारत के राजा मनु थे उनके वंशज थे ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत थे, उनके नाम पर ये भारत पड़ा है एक, और सबसे मान्य तथ्य यही है। दूसरा अगर हम देखें तो दशरथ के पुत्र भरत जो कि भगवान राम के भाई थे और रामायण में हम इनकी कहानी को जानते हैं, तो उनके नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा। और तीसरा पूर्ववंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। वर्ष का मतलब यहाँ आजकल हम समय से लेते हैं, लेकिन यहाँ वर्ष का मतलब एरिया से, रीजन से है। और अलग अलग स्रोत पर भारतवर्ष का नक्शा भी अलग अलग मिलता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की सीमा से लेकर यहाँ तक पूरा भारतवर्ष था जहाँ ये भरत शासक का शासन था। इसी तरह से यहाँ कुछ कुछ मैप ऐसे भी हैं जो अफगानिस्तान से ही इसका पूरे हिस्से को भारत का भारतवर्ष का हिस्सा बताते हैं। अब इस नक्शे को आप ध्यान से देखेंगे तो लॉयन से इसकी आकृति मिलती है और इसीलिए इसको शेर मतलब लॉयन मतलब शेर, और इसीलिए आपने कभी देखा होगा भारत माता का जो नक्शा आता है उसके पीछे वो शेर को इसी तरह से सेट किया गया है। यहाँ पर ये पूरा हिस्सा भारतवर्ष की तरह नजर आए जिसको हम भारत माता भी कहते हैं। अगला नाम हमारा हिंदुस्तान है और ये नाम फारसियों या ईरानियों के द्वारा दिया हुआ है। देखिए यहाँ ये इंडस नदी है, इसके बारे में हम डिटेल में बात जब नदियां पढ़ेंगे तब करेंगे, लेकिन इस नदी को हम ध्यान से देखें तो ये इस तरह से बहती है वर्तमान में। तो इस इंडस नदी को जिसको हम सिंधु कहते हैं, तो ये जो फारसी लोग हैं ईरानी लोग हैं वो स को ह पढ़ते हैं, तो ये सिंधु नदी को क्या कहते थे, हिंदू। और उसके बाद इस पूरी जमीन को, इस नदी के बाद वाली पूरी नदी को हिंदुस्तान कहते थे और इसमें रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था। तो इसलिए हिंदू हम देखें धर्म की बजाय इसके लिए पंथ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जीवन प्रणाली है। बाकी दुनिया के सारे आप धर्मों को देखेंगे तो वो किसी न किसी एक व्यक्ति के विचारों से शुरू होते हैं, चाहे आप इस्लाम देख लीजिए, ईसाई देख लीजिए, बौद्ध देख लीजिए, जैन देख लीजिए, ये ऐसे धर्म है जो किसी एक व्यक्ति के विचार से शुरू होते हैं। लेकिन हिंदू धर्म के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये इन सारे लोगों को यहाँ जो भी रह रहा था उन सबको हिंदू कहते थे और इस जगह को हिंदुस्तान कहते थे। और इसके दक्षिण में ये जो जल क्षेत्र है इसका नाम भी हिंदुस्तान की वजह से ही हिंद महासागर या इंडियन ओशियन पड़ा है। अगले नाम है इंडोस और इंडस। इंडोस शब्द जो है वो ग्रीक लोगों के द्वारा, यूनानी भी हम कहते हैं, उनके द्वारा इस इंडस रिवर के लिए इस्तेमाल होता है किया जाता था, और इंडस नाम रोमन लोगों द्वारा इंडस रिवर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो ये फिर इसी नाम इसी नदी से ये जुड़ जाता है। तो ये लोग भी इस नदी को इंडस या इंडोस कहते थे और बाकी वाले जो इस नदी से पूर्व वाले हिस्से को इसी नाम से इंडोस या इंडस के नाम से ही जानते थे। तो ये नाम हमें ग्रीक और रोमन्स ने दिए हैं। ये प्रश्न कभी पूछा जाता है इंडोस किसने कहा था और इंडस नाम किन्होंने दिया था, तो रोमन और ग्रीक, ध्यान रखें इंडोस इंडस। अगला जो हमारा नाम है इंडिया। अब बेसिकली इंडस और इंडोस ये जो दोनों नाम थे उनका तोड़ मरोड़ के अंग्रेजों ने फिर इसको इंडिया कर दिया गया। और हमारा जो संविधान है भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके आर्टिकल 1 में एक बात कही हुई है, इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया भारत ही इंडिया है, इस तरह की चीज जो कही गई, या इंडिया ही भारत है हम कह सकते हैं, इस तरह की बात यहाँ पर लिखी हुई है। हमारा जो पूरा नाम है संविधान में वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, पर शॉर्ट में हम इंडिया कहते हैं, दुनिया हमें इंडिया के नाम से ही जानती है, लेकिन हम अपने आप को आज भी भारत ही कहते हैं, वो जो भरतवर्ष शब्द था उससे ये शब्द लिया गया भारत।
इसके अलावा कुछ और नाम है भारत के जो काफी प्रसिद्ध रहे हैं इतिहास में। ईसाई धर्म की एक पवित्र ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें भारत के लिए हुडू शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहीं चाइनीज और जैपनीज भारत के लिए तियांजु शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तियांजु, तो ये दोनों चाइनीज और जैपनीज भाषा के शब्द हैं। इसके साथ ही एक और नाम नाभि वर्ष भी भारत के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये पृथ्वी के बीच में है, अगर हम देखें तो सेंटर वाला हिस्सा, और नाभि हमारे शरीर में भी सेंटर में होती है, तो नाभि वर्ष कहा गया। साथ ही एक रीजन ये भी है कि नाभि नाम के कोई पुराने शासक थे, तो उनका एरिया जहाँ उनका शासन था, इस वजह से इसको नाभि वर्ष कहा गया। तो ये कुछ और नाम भी काफी प्रचलित हैं भारत के। भारत के साथ एक और शब्द जुड़ता है भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या इसको हम साउथ एशिया भी कहते हैं, दक्षिणी एशिया, एक ही बात है। अब आप ज्योग्राफिकली देखिए, जैसे हम बात करते हैं महाद्वीप क्या है, तो एक ऐसा विशाल क्षेत्र जिसके लगभग चारों ओर पानी हो, लेकिन एशिया और यूरोप एक ऐसे महाद्वीप हैं जो एक पर्वत से अलग किए गए हैं, उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो शेष एशिया से ये जो दक्षिणी एशिया है वो एक पर्वत के द्वारा अलग हो जाता है, और वो पर्वत आप देखिए, यहाँ सुलेमान, हिंदू कुश, फिर ये हिमालय और ये अराकान योमा, ये सारे पर्वत मिलकर क्या करते हैं, दक्षिणी एशिया को शेष एशिया से अलग कर देते हैं। तो ज्योग्राफिकली तो ये अलग हुआ ही, साथ ही सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखें तो ये हम पूरा हमारी जो कल्चर है वो शेष एशिया से बिल्कुल अलग है। तो भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से, और इस पर्वतीय दृष्टि, सब दृष्टि से देखें तो शेष एशिया से ये बिल्कुल अलग हो जाता है। इसलिए इसको कई विद्वानों ने भारतीय उपमहाद्वीप कहा, मतलब महाद्वीप ना भी कहें तो हम उपमहाद्वीप तो कह ही सकते हैं। तो ये पूरा हिस्सा जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। अब अगर हम देखें तो एक और विशेषता है प्रजातीय विशेषता, जो हमारे शरीर के नैन नक्श होते हैं वो भी शेष एशिया के लोगों से बिल्कुल अलग है। तो ये सारी जो चीजें हैं, चाहे प्रजातीय लक्षण हो, भौगोलिक लक्षण हो, सांस्कृतिक लक्षण हो, सभी या सांस्कृतिक विशेषता सभी अलग है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, तो यहाँ देखिए पाकिस्तान, भारत तो इसके अंदर है ही, इधर नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये 7 देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप या दक्षिणी एशिया भी इनको हम कह सकते हैं। अफगानिस्तान इसमें सम्मिलित नहीं है, चाइना इसमें सम्मिलित नहीं है, और म्यांमार भी इसमें सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ देखिए, आप ग्लोब लेवल पर इसको देखेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देता है पूरा। यहाँ देखिए, ये एशिया और यूरोप को ये यूराल पर्वत से अलग किया गया। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखिए, ये एक पूरा पर्वत जो सुलेमान, हिंदू कुश, हिमालय और अराकान योमा अलग हो जाता है, और शेष एशिया से ये पूरा अलग थलग हिस्सा है। भारत के इतिहास की बात करें तो हमें सिकंदर महान या अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करनी होगी। ये उसका जीवन काल है, 326 BC में ये हिंदू कुश पर्वत से वो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। तो आप देखिए, ये इधर से निकले थे और यहाँ ये इजिप्ट पहुंचे थे, मिस्र जिसको हम कहते हैं, यहाँ अलेक्जेंड्रिया एक शहर की स्थापना भी की थी, सिकंदरिया शहर कहते हैं, फिर ये यहाँ इस तरह से देखिए ये भारत आए, सिंधु नदी को इन्होंने क्रॉस किया। उस समय भारत के शासक पौरस थे, उसके साथ इनका युद्ध वगैरह भी हुआ, और फिर वो यहाँ से वापस बाहर निकल गए। तो हम ऐसा मानते हैं कि पश्चिम की तरफ से पहला आक्रांता जो भारत पहुंचा वो सिकंदर था। तो ये सिकंदर यहाँ से इस तरह से वापस फिर अपने उधर चले गए, तो पहला आदमी। अब ये खैबर दर्रा और हिंदू कुश पर्वत और ये सारा ज्ञान, और फिर ये जो पवित्र नदियां हैं, उपजाऊ नदियां, उनका ज्ञान यूरोपवासियों को दिया, तभी से यूरोपवासियों का इंटरेस्ट इस भारत देश के अंदर काफी बढ़ गया। और ये खैबर दर्रा भी इन्होंने कहा कि उस दर्रे से जाया जा सकता है, ये सारा ज्ञान उनको यूरोपियन को दिया होगा, और बाद में फिर ये मुगल वगैरह जो भी जितने भी आए वो सारे इसी रास्ते से होके यहाँ पर आए, और उस समय हमारे भारत में राजा महाराजाओं का शासन था, उसके बाद फिर अंग्रेज आए और फिर वापस। तो इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग इतिहास है भारत का अगर हम देखें तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहला व्यक्ति जो यहाँ पहुंचा वो ये था। दूसरा, हमें वास्को डी गामा के बारे में भी थोड़ी बात करनी होगी। ये उनका जीवन काल है और ये इनका जो अचीवमेंट है वो क्या है, देखिए ये यहाँ पुर्तगाल में एक जगह लिस्बन, वहां 8 जुलाई 1497 को ये भारत समुद्री रास्ते से भारत आने के लिए निकले, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं जिसको मुत्तमाशा अंतरिप कहते हैं, और फिर ये यहाँ मेडागास्कर और अफ्रीका से बीच, फिर यहाँ मुंबासा पहुंचते हैं, और यहाँ से फिर ये कालीकट पहुंचते हैं 20 मई 1498 को। अगर हम इस समय पर ध्यान दें तो लगभग ये 10 महीने का समय है, यहाँ से इनको यहाँ तक आने में 10 महीने लग गए थे। काफी संघर्षपूर्ण यात्रा थी इनकी, कई सारे लोग थे इनके साथ में, पूरा एक दल निकला था वहां से।
10 महीने तक समुद्र में रहना, खाने पीने की चीजें नहीं होना, नाव को चलाना, बहुत क्रुशियल टाइम था ये उनके लिए, लेकिन फिर भी संघर्ष करते हुए वो यहाँ तक पहुंच गया। अब हम कहीं कहीं ये कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की खोज वास्को डी गामा क्या करेगा, वो तो सोने की चिड़िया थी और विश्व गुरु था। अच्छा, सिकंदर यहाँ पहले आ चुका था, तो फिर खोज करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि यहाँ से मतलब यूरोप से भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की, ये बात हम कह सकते हैं। और व्यक्तिगत रूप से मैं यही मानता हूं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज इन्होंने की। अब सवाल यह है कि क्या जरूरत पड़ी, जब यहाँ से सिकंदर सीधा ही आ गया था और सीधा रास्ता छोटा भी है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि वो सिकंदर राजा था, उसके पास सेना थी और वो युद्ध करता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। लेकिन आम आदमी के लिए रास्ता इतना आसान नहीं है, बीच में पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, दर्रे हैं, जंगल है, जंगली जीव है और बर्बर जातियां हैं जो यहाँ से गुजरने नहीं देती थी उस समय किसी को। तो ऐसे में सीधा आना मतलब हमेशा जोखिम पूर्ण था, और ये रास्ता इसमें इस तरह की कोई जोखिम जो वहां मिलती वो नहीं थी। तो ये यहाँ से समुद्री रास्ते की खोज इन्होंने वास्को डी गामा की। वो यहाँ आए, फिर यहाँ से मसाले भर के वापस चले गए। उसके बाद ये आते रहे, 2-3 बार यहाँ पर पहुंचे और अंत में 1524 में उनकी मृत्यु भी केरल के अंदर ही हुई वास्को डी गामा की। तो फिर व्यापार करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो ये इस तरह से वास्को डी गामा का जो भारत यूरोप से भारत आने का समुद्री रास्ते की खोज की। और उसके बाद कई वर्षों तक मतलब सदियों तक हम यहीं से इस तरह से आते रहे। उसके बाद यहाँ स्वेज नहर बन गई, तो फिर वो रास्ता सीधा बन गया। तो भारत के इन विभिन्न नामों को समझने के बाद अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और उसके आंसर आप देंगे। प्राचीन भारत के प्रमुख नाम कौन कौन से थे? श्रीलंका ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? किस पुराण में भारत का नाम भारतवर्ष उल्लेखित है? सिंधु नदी के लिए ग्रीक विद्वानों ने किस शब्द का प्रयोग किया था? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं? वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारत में कब और कहाँ पहुंचे थे? तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। अगर आपको सवाल नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। अगर आप मेरे इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं आगे, तो जो विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल और भूगोल के और भी कई सारे टॉपिक, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तब तक हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी को बचाइए, उसका संरक्षण कीजिए। आपने मेरा यह वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।